हेलो एवरीवन, और आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो आर लेटर है उसको अगर हमें स्ट्राइप पैटर्न में बना के तैयार करना है तो सी प्रोग्रामिंग में हम वो कैसे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर लेटर बहुत ही अच्छा लेटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल ले लेते हैं, आई और जे ही ले लेते हैं। और फिर हम अपना आउटर फॉर लूप बनाते हैं जिसमें आप हमने आई को 1 से इनिशियलाइज कर दिया और आई को हम लेस देन इक्वल टू 7 रखेंगे। और हर बार आई को हम 1 से इंक्रीमेंट करवाएंगे। और हमने आउटर फॉर लूप का सिंटेक्स बना दिया और इसके अंदर हम एक इनर फॉर लूप लेंगे जिसमें हम जे को 1 से इनिशियलाइज करवा देंगे और हर जे को लेस देन इक्वल टू 5 की कंडीशन दे देंगे और हर बार जे को 1 से इंक्रीमेंट करवा देंगे। और हमने कुछ इनर फॉर लूप का सिंटेक्स बना दिया। इसके अंदर हम जहाँ जहाँ पे स्टार प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको हम इफ कंडीशन के अंदर रखेंगे। इसमें हम प्रिंट एफ फंक्शन की हेल्प से स्टार प्रिंट करवाएंगे। इसमें हमने एक स्टार को एक स्पेस के साथ रख दिया है और यहाँ पे हमने कोमा करके जे को प्रिंट करवा दिया। और जहाँ जहाँ पे हम नहीं चाहते कि स्टार प्रिंट हो उसको हम एल्स कंडीशन में रखेंगे। तो प्रिंट एफ में हमने डबल कोड में दो स्पेस के साथ प्रिंट करवा दिया है और हर बार लाइन चेंज होती रहे इसलिए हमने प्रिंट एफ में यहाँ पे हर बार डबल कोड में स्लैश एन कर दिया है। और अब हम अपने इफ में कंडीशन देंगे कि हमारा जो आर लेटर है स्टार पैटर्न में प्रिंट होना चाहिए। तो फर्स्ट हम यहाँ पे कंडीशन देंगे कि जो जे है वो इक्वल टू होना चाहिए हमारे 1 के, जिससे कि अभी हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे आके ड्रॉ हो गई है। हाँ जी, अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी दूसरी कंडीशन है कि जो हमारा आई है वो इक्वल टू होना चाहिए 1 के, और एंड ऑपरेटर में जो हमारा जे है लेस होना चाहिए 5 के। इसको हमने स्मॉल ब्रेसेस में रख देंगे जिससे कि आपको कोड समझने में आसानी होगी। उसके बाद और ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हमने अपनी थर्ड कंडीशन के लिए जो हमारा आई है वो इक्वल टू होना चाहिए 4 के, एंड जो हमारा जे है लेस होना चाहिए 5 से। उसके बाद हम अपने और कंडीशन देंगे, इसके लिए भी हमने स्मॉल ब्रेसेस का यूज़ किया और इसके अंदर हम जो हमारा जे है इक्वल टू होना चाहिए 5 के, जिसमें हमें कंडीशन देंगे कि जो आई है ग्रेटर होना चाहिए 1 से एंड आई है लेस होना चाहिए 4 से। और लास्ट कंडीशन जो हमारी इस कोड में आती है कि जो हमारा आई माइनस जे है इक्वल टू होना चाहिए 2 के, और इसको हम स्मॉल ब्रेसेस में लिख देंगे। हाँ जी, अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। हाँ जी, हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आ चुका है और यहाँ पे स्टार पैटर्न में आर अल्फाबेट बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।